ठीक पुराने है। हाँ प्राचीन काल में अगर मैं जाऊं तो वहां दो चलते थे, शिक्षा और विद्या। ठीक है, तो वहां पे ठीक दो है। हाँ चलते थे, शिक्षा और विद्या चलते थे। अब वो खत्म हो गया, पढ़ाई में आ गया। तो शिक्षा और ठीक। विद्या में क्या होता था कि विद्या में भारत का जो था कल्चर, सांस्कृतिक हाँ था, सभ्यता था हमारा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ सब सभ्यता हमें बताया जाता था, वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते थे, हमें रहना कैसे है, चलना कैसे है। ठीक है, राम और लक्ष्मण थे तो ये कैसे भाई थे। ठीक है, बिल्कुल राम सीता बिल्कुल। थे, मर्यादा पुरुषोत्तम अगर राम थे तो ये कैसे राजा थे। तो अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो एक राजा थे, तो एक राजा को कैसा होना चाहिए, जैसे अभी में हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो हाँ। एक राजा को कैसा होना चाहिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखे। ठीक है, दो भाई के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए तो राम और लक्ष्मण से सीखे। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ पति और पत्नी के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए तो राम और सीता से सीखे। तो इस बिल्कुल तरीके सही। से जो हमारा कल्चर रहा, ठीक है, अगर हाँ कोई हाँ ब्रह्मचर्य का पालन किया है, कोई सन्यासी है, तो उसको कैसा होना चाहिए वो विवेकानंद से आप सीखिए। बिल्कुल सही। और कोई सत्य के मार्ग पे अगर कोई चला तो राजा हरिश्चंद्र से सीखे। बिल्कुल तो सही। कुछ इस तरीके से जो है, मतलब सभ्यता सांस्कृतिक संस्कार जिसे आप कहते हैं, जो अब खत्म होता जा रहा है, तो हाँ, ये ये तो चीज राइट हमें बात। विद्या के अंदर बताया जाता था प्राचीन भारत भारत में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विलियम एडम और मैकॉले का ही स्टेटमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे भाषण दे रहा है, उसका स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ऐसा था। उसके बाद फिर था दूसरा शिक्षा। शिक्षा में क्या हाँ था कि जैसे आपका रसायन शास्त्र है, एस्ट्रो फिजिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, आपका गणित है, विज्ञान है, ये सब उसमें पढ़ाया जाता था। तो जिस विषय में जिस आदमी को रुचि है वो विषय लेता था। उसमें मेटलर्जी होता था, धातु विज्ञान था, और उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी था, राजनीतिक विज्ञान था, नीति शास्त्र जिसे आप कहते हैं, तो बाकी बाकी हाँ विषय थे। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल वहां सही। पे ठीक चलते थे। ठीक है, जिसमें क्या होता ठीक था कि रियल टाइम एक्सपीरियंस होता था। ठीक है, रियल टाइम हाँ एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, मैं एक तो छोटा सा आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक। तो उसमें क्या था, सन दुनिया का सबसे पहला पुल जो बना, 1238 कावेरी नदी का पुल, राइट। हाँ समझने वाली बात यह है कि इस पुल में इतना खास क्या था। तो खास ये था कि वो नदी में जब पुल बन रहा था तो नदी को बांधा नहीं गया। दूसरा तरीका कि हाँ वो पुल को बनाया कौन था, तो वो पुल को बनाने वाला था भारत का गुरुकुल। वो बनाया क्यों था, तो समझने वाली ये बात ये है कि जो हमारा जो विषय है आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का, बिल्डिंग वगैरह जो डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, यस मैं हाँ आज का जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है उनका बात नहीं करता, जो उस समय था उसका मैं बता रहा हूँ। कि जब हाँ हाँ गुरुकुल में कंस्ट्रक्शन के बारे में जब बताया गया जो है, तो प्रैक्टिकल तो दिखाना पड़ेगा ना, थ्योरी पढ़ा करके क्या करेंगे जब प्रैक्टिकल ही नहीं आता। तो उस हाँ हाँ सही प्रैक्टिकल बात। को दिखाने के लिए हमारा जो गुरुकुल था, गुरुकुल के गुरु थे और जो शिष्य हुआ करते थे, ये सब गांव-गांव में जाते थे और अपना अभ्यास करते। तो उसी अभ्यास बिल्कुल में जब सही। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, मतलब थ्योरी पढ़ लिए, जब कंस्ट्रक्शन का करके देखना हुआ काम, तब हाँ उसका डेमो पर्पस के लिए कावेरी नदी में इन्होंने पुल बनाया। और जब स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में पुल बना करके उतना अच्छा देख लिया, तब वो विद्यार्थी अब हाँ समाज में जब जाएगा तो कहीं भी पुल बनाएगा तो उसका पुल पक्का ही होने वाला है, आज तक नहीं टूटेगा। बिल्कुल। तो हमारा जो प्राचीन भारत का एजुकेशन था कुछ ये इस तरह का था। धातु विज्ञान का बात करें, मेटलर्जी का, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था। तो जो प्राचीन भारत का जो शिक्षा था वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल पे आधारित था। ठीक है, तो मैकॉले का ही स्टेटमेंट है कि जो ये इंडिया है वो हाईली एजुकेटेड लोगों का है, हाईली मतलब हाँ समृद्धशाली बहुत ज्यादा है। भारत देश में एक भिखारी नहीं था 1800, 2 फरवरी 1835 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये मैकॉले भाषण दिया है। तो उस समय का जितना भी सिलेबस था, वो सिलेबस हमारे इन्वायरमेंट के डिमांड और काम के आधार पे बना हुआ सिलेबस था। जैसे आप राजमिस्त्री का भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो राजमिस्त्री का बहुत अच्छी ट्रेनिंग उस समय देती दिया जाता था।
मैकेनिकल का हो गया जिसमें कि लकड़ी का कुछ बनाना हुआ या फिर लोहे का कुछ बनाना हुआ, तो उसका अलग इंस्टीट्यूशन रहता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। तो ये कुछ इस तरीके से चलता था। रसायन शास्त्र का रियल टाइम पे ये काम करते थे, अपना प्रैक्टिकल पूरा करके देखा करते थे। लेकिन जब मैं को ले आया तो इन सबको खत्म करके अपना सिलेबस बनाया, ठीक है, और उस सिलेबस को लागू कर दिया गया भारत में। क्योंकि किसी भी देश का जो रीढ़ का हड्डी माना जाता है वो एजुकेशन है, और उसका एजुकेशन को अगर आप खत्म कर दीजिए, जब ज्ञान नहीं है तो मूर्ख है आदमी। किसी इंसान का अगर ताकत है तो ज्ञानी है, तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड कर। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर, कट गया था फोन, करवाना है कि नेटवर्क बिजी हो गया था अचानक। अच्छा, तो जैसे कोई भी आदमी है तो वो अगर ताकतवर है, तो कैसे ताकत है, तो उसके पास ज्ञान इतना है कि वो ताकतवर है। हाँ हाँ सही है। इन सबको खत्म करके मैं कोले अपना सिलेबस लाया। तो जब मैं कोले अपना सिलेबस लाया तो ऐसा सिलेबस बनाया कि इस सिलेबस को पढ़ करके किसी भी भारतवासी का भला ना हो। हाँ, सही बात है, किसी भी भारतवासी का वो भला ना हो। और अपने से बना दिया कि ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है, ये है बीए है, ये बीकॉम है, कॉलेज है, पीएचडी है, कोर्स खुद बनाया और लागू कर दिया। अब उस कोर्स को पढ़ के किसी का कोई भला नहीं होता, ये आप खुद लाइव देख ही रहे हैं। तो वो सिलेबस बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि भारत को गुलाम बनाना था। तो भारत जब पहले से हाईली एजुकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, ज्ञानी है भारत, तो ज्ञानी आदमी को तो मूर्ख बना नहीं सकते आप, तो उसको पहले मूर्ख बनाओ। मूर्खों को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। तो मैं कॉले इसलिए सिलेबस बदला कि ज्ञानी है तो इनका एजुकेशन का व्यवस्था खत्म कर दो, तो ये मूर्ख हो जाएंगे, तो जब मूर्ख होंगे तो मेरा गुलाम बहुत आसानी से बनेंगे। यस यस यस, बिल्कुल इसी तरीके, इसलिए ये सिलेबस बदला। अब अभी जो चल रहा है जी, मुझे आप ये बताइए कि किसी के कह देने से कोई बीएससी बीकॉम पीएचडी हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो हो नहीं सकता है। अगर हम खुद खुद चाहेंगे तभी होगा, नहीं तो दूसरे के कहने से नहीं होगा। दूसरे कहने से नहीं होगा। तो कॉलेज कहता है कि मैं पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो मैं ग्रेजुएट हो गया। कॉलेज कहता है कि मैं फेल हूँ तो फेल हो गया। ये बिल्कुल गलत मुझे लगता है, क्योंकि कॉलेज कौन होता है कहने वाला हमें? हाँ, ये सही बात है। मैं कितना ज्ञान हूँ ये पता तब चलेगा जब मैं फील्ड में उतरूंगा, मेरा परफॉर्मेंस बताएगा कि मैं कितना ज्ञानी हूँ या फिर मैं कितना मूर्ख हूँ। किसी कॉलेज के कहने से तो नहीं होगा। नहीं, शायद हो सकता है कारण यही रहा होगा कि बिल गेट्स, माइकल डेल, मार्क जुकरबर्ग, बाकी लोग कॉलेज छोड़ के रियल टाइम पे काम किए। यस यस, बिल्कुल राइट, शायद यही कारण होगा, मुझे ऐसा लगता है। एकदम सही सही, जो कि शायद क्या कहते हैं इन्हें, मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं या नहीं बताते, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बताता है, तो शायद यही यही होगा रियल टाइम का इनका। बिल्कुल सही, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं बिल गेट्स सब का, तो इनको असलियत उस समय पता चला होगा जब कॉलेज जब जाने लगे, तो उनको पता चला होगा तभी वो कॉलेज लाइफ को छोड़ के अपना वो महत्वपूर्ण समय उस सही जगह पे दिया है। तो ये इसीलिए शायद इन्होंने जो है छोड़ दिया। तो किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। कानून बनाया मैं कॉले, इंडिया एजुकेशन एक्ट, इससे क्या हुआ कि मैं जैसे मैं पढ़ाई लिखाई किया, ठीक है, मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो वो सर्टिफिकेट जब रहेगा तभी मुझे गवर्नमेंट मानेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, साक्षर हूँ या ग्रेजुएट हूँ। अगर वो नहीं मिलता तो नहीं मानेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमें तो कॉलेज का गुलाम बना रहा है ना। बिल्कुल सही, कॉलेज का प्रोफेसर अगर भड़क गया मेरे ऊपर तो बोलेगा फेल कर दूंगा, खुश है तो बोलेगा पास कर दूंगा। क्या तरीका है भाई, उसके कहने से मैं पास फेल होऊंगा क्या? नहीं 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 नहीं, हो सकता ना ऐसा। नहीं, तो एक गुलाम बना रहा है कॉलेज और इन लोगों को। सिलेबस इन्होंने ऐसा तैयार किया कि किसी का कुछ भला ही नहीं हो सके। टीचर से कुछ पूछो तो बोलेगा सिलेबस में इतना ही है, तो मैं आगे क्या बताऊं। अरे काहे को बनाया है ऐसा सिलेबस जब किसी का भला ही नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही, सिलेबस तो बनता है, क्यों बनता है, ताकि इसको पढ़ करके विद्यार्थी का भविष्य उज्ज्वल हो। जब उज्ज्वल हो ही नहीं रहा है तो ये सिलेबस किस काम का, बदल दो इस सिलेबस को। बिल्कुल सही है, इसको नहीं होने का था ना।
आखिर कारण क्या है कि हर जगह इतने बच्चे पढ़ लिख रहे हैं पर फिर भी आ रहा है कि 80% बेरोजगार है, क्या कारण है भाई? नहीं समझ में आता। देखो यही है कि इंडिया में सबको पहले तो मूर्खी बनाया जा रहा है ताकि गुलाम का गुलाम ही रहे, गुलाम के गुलाम रहो। तो 1547 को देश आजाद हुआ, ये तथा कथित आजादी हुआ मानसिक फिजिकल रूप से कि तुम जाओ घूम फिर सकते हो, मानसिक से तो अभी भी गुलाम है। वो सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए लड्डू बांट दो मिठाई खा ले, हाँ देश आजाद हो गया, चंद्रशेखर की जय, भगत सिंह की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, गांधी जी राष्ट्रपिता बन गए, महान आदमी है, बहुत बढ़िया है, हम उनका नाम का गुणगान करें, बहुत अच्छा है। और बस घर जाके लड्डू खा लिए। वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सर, जैसे कि आप बता रहे हैं वहाँ पे हम लोग को वही दिखाया जा रहा है जो कि वहाँ पे नियम बनाया कि इसका जयकारी करो, लेकिन इसका जयकारी क्यों करें हम, उसका क्वेश्चन तो कोई निकालता है नहीं। भगत सिंह को 31 मार्च को फांसी लगा, रात में लगा, क्यों लगा भाई, कोई बताता ही नहीं। वही तो बात है, आयोग को बताएगा भाई, जयकारी बताया जाएगा, लेकिन उसको क्यों लगा, किस कारण से लगे, ये चीज तो कोई बताएगा है नहीं। ये चीज बता देगा तो गुलामी के जिंदगी में आप कैसे रहोगे भाई? बिल्कुल रहिए। आपको अगर गुलाम बनाना है तो भगत सिंह का जीवनी नहीं बताऊंगा मैं, भगत सिंह का बताऊंगा तो आप भगत सिंह बनोगे तो मेरा क्या होगा, हम सरकार के सत्ते पे कुर्सी पे कैसे बैठे रहेंगे। हाँ एकदम बिल्कुल सही बात। पहले था अंग्रेज सरकार, अब भारत सरकार है, पहले गोरे अंग्रेज अब काले अंग्रेज है। बिल्कुल सही है भाई। चंद्रशेखर को अगर मैं पढ़ूंगा, महात्मा गांधी को पढ़ूंगा, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ूंगा तो उनके इतना ज्ञानी बनूंगा कि नहीं बनूंगा? उनके इतना नहीं बनूंगा तो 10% तो बनूंगा ना। बिल्कुल है। तो 10% वाला भी आदमी अगर एक स्कूल से 10 लोग निकल जाते हैं तो सरकार तो गिरी समझो। तो अपना काहे को सरकार गिराने का, इसलिए मूर्खों को जन्म दो खाली ना। बिल्कुल सही हो। उनको उतना ही पढ़ाओ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का आपको बताता हूँ मैं, उनको उतना ही पढ़ाओ कि जिस कॉलेज से निकला उसी कॉलेज में जाकर के टीचर बन जाए और गुलामी करता रहे चंद पैसे से। ज्यादा पैसा मांगेगा तो हम नौकरी से भगा देंगे, तो नौकरी छोड़ेगा तो बेरोजगार होगा, इसलिए छोड़ेगा नहीं नौकरी, हमारा जिंदगी भर गुलामी करता रहेगा, 15 से 20 हजार में जिंदगी बिता दे और हमारा गुलामी करता रहे, गुलामों को जन्म दिया जा रहा है बस और कुछ नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। गुलामों को जन्म देना है खाली, और कुछ नहीं करना है। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम कर रहा है। 12वीं पास हो गया लड़का, प्राइवेट स्कूल का ही बता रहा हूँ नीति, 12वीं पास हो गया तो प्रिंसिपल एचओडी या एमडी वहां का बोलेगा कि भाई कहाँ तुम जाओगे, प्राइवेट में कॉलेज कर लो, हमारे यहाँ नौकरी कर लो। अब एक बार जिसको पैसा का लत लग गया वो जिंदगी भर छूटने वाला नहीं है, 5 से 10 से 15 तक में जिंदगी बीत जाने वाला है, लिखवा के रख लो मेरे से। भाई हमें मेरा स्कूल है या मेरा कॉलेज है, मुझे तो चाहिए ना ऐसा आदमी की जो पढ़ाए। हाँ बिल्कुल। तो मैं उतना ही ऐसे ही बंदे को तैयार करूंगा जो कि सिर्फ पढ़ाने लायक ही हो। ज्यादा ज्ञानी होगा तो मेरा कॉलेज छोड़ के कहीं और जाएगा, अपना कला का प्रदर्शन करेगा, बहुत ज्यादा कमाएगा, डेवलपमेंट पे काम करेगा, बहुत ज्यादा कमाई करेगा। गुलाम कैसे रहेगा कॉलेज का? ठीक बात बोल रहे हैं। गुलाम बनाना है ना भाई, गुलाम बनाना है तो मूर्ख बना दो, मूर्खों को गुलाम बनाना बहुत आसान है। बिल्कुल सही है, बहुत आसान है। तो गुलामों को जन्म देना है, ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करो एकदम। जो स्टूडेंट पढ़ के निकलेगा वो कल को हमारा टीचर होगा, जो बूढ़ा हो गया टीचर रिटायर करके भेज दो, जवान टीचर आ जाए। और ऐसा ही जीवन पर्यंत कम पैसे में प्रोफेसर पूरा दिन आड़े 10 से 4 तक बढ़िया से पूरा पढ़ाता रहेगा, मूर्खों को जन्म देता रहेगा। और हम बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय कहाँ से होगा, काम करते हो पराजय वाले, जय कर कहाँ से होगा? देशभक्ति शब्दों में नहीं कर्मों में होने चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें, एक आदमी दिल्ली से कहता है भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे प्रॉब्लम के सलूशन मिल जाते हैं। इसीलिए तो बोल रहे कि अच्छे दिन आएंगे, सब मरेगा तभी। मेरे गुरुजी कहते हैं व्हाट्सएप चलाता हूँ तो लगता है बुद्धिजीवी लोग भरे हुए हैं।
सतयुग आ गया, व्हाट्सएप से बाहर निकलो तो लगता है कलयुग ही तो चल रहा है, मैंने तो ब्रह्म में था। मैं जब डीएलएड का ट्रेनिंग कर रहा था तो कैंपस में रहता था तो लगता वाह सीधा हरिश्चंद्र आ गए हैं और पता नहीं क्या क्या, एकदम राम राज्य चल रहा है, सतयुग का स्थापित हो गया है, सब ज्ञानी लोग हैं। कैंपस के बाहर निकलो तो उसमें से ही कुछ टीचर जो दारू के ठेला पे और दारू के भट्टी पे मिलते थे, गलती से एक बार चल गया तो देखा है इस आदमी को तो मैंने देखा था कभी, बोलता है नमस्कार सर, बोला है अब जो टीचर दारू पी रहा है वो बच्चों को कितना पढ़ाएगा। सही बात है, वो कितना बच्चों को पढ़ाएगा, पढ़ाएगा जितना में मेरा गुरु पीता है मैं क्यों ना पीऊं, यही बोला जाएगा। सही बात है, ये सब बात कहाँ बताई जाती है, कहीं नहीं बताया जाता। अरे बताया जाएगा तो आप चंद्रशेखर बन जाओगे ना, सुभाष चंद्र बोस बन जाओगे ना, सरकार से सवाल पूछोगे ना। मूर्ख कभी सवाल नहीं पूछता, मूर्खों को ही जन्म देता है कॉलेज, ताकि वो कॉलेज का स्टूडेंट कभी सवाल ना पूछ पाए, क्योंकि मूर्ख रहेगा। डर उसी के पास होता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता, ज्ञानी आदमी कभी नहीं डरता है। असाइनमेंट के नंबर के डर से स्टूडेंट टीचर से तभी बात नहीं करता जब उसको कुछ आता ही नहीं है। हाँ मेरे साथ एक घटना घटे हुए है भाई, लेकिन मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इतना बार फेल हो गया हूँ कि अब फर्क ही नहीं पड़ता फेल हूँ कि पास। लेकिन लोग हाँ सर सुनिएगा, मेरे तरफ से सुनिएगा। हाँ बोलिए ना। हाँ सर जो बोल रहे हैं ना तो सर के बातों से लोग जितना भी स्टूडेंट है या जो भी समझ लिए फ्रेंड भी, तो लोग बातों के सर के बातों पर नहीं विश्वास करते हैं कि इतना बार फेल हुए होंगे ऐसे। आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सरगुजा यूनिवर्सिटी मुझे तीन तीन बार फेल किया है। सीवी रमन यूनिवर्सिटी जिस सब्जेक्ट में मैं स्पेशलिस्ट था उसी में फेल कर दिया। हाँ फेल कर दिया, सच में फेल कर दिया। तो उसके कहने से मैं फेल पास नहीं होऊंगा, मेरा परफॉर्मेंस बताएगा मैं कितना ज्ञानी हूँ या कितना मूर्ख। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस ही तो होता है कि आप कितने फेल हैं। देखिए मैटर ये नहीं करता कि स्टूडेंट कितना परसेंट लाता है, मैटर ये करता है कि वो जिंदगी में क्या हासिल करता है, कितनी ऊंचाइयों को छूता है, समाज के लिए किस तरह से हित करता है, देश के लिए कितना हित करता है और समाज के लिए नया दिशा निर्देशक कैसा बनता है, उसका संस्कार कैसा है, सभ्यता कैसा है। सही बात है, वो कहते हैं ना पिंगल पढ़ के क्या हुआ जब तीन चीज सहीन बोली चाली बैठका लीन विधाता छी। सही बात है, सही बात है। तो अब माने या ना माने पर ये मेरे ऐसा ही मेरा थ्योरी है। नहीं बिल्कुल सही है, भाई मूर्खों को जन्म देना है बस, ज्ञानी नहीं होना चाहिए गलती से, क्योंकि ये ज्ञानी लोग बहुत खतरनाक होते हैं। भगत सिंह ज्ञानी थे, फांसी दे दी। और सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। सही। तो ज्ञानियों को मतलब गुलाम बनाना बहुत कठिन होता है, बनते ही नहीं है गुलाम, इसलिए ज्ञानी को ही जन्म मत दो। सही बात है, बस मूर्खों को जन्म दो, गुलाम बनाते रहो, बस गुलाम बनाते रहो, कहते रहो भारत माता की जय। मुझे हंसी आता है एक बार कि उसी स्कूल के दीवार पे लिखा रहता है विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं, तो मैंने अगला लाइन जोड़ा कि जब विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं तो इनका फ्यूचर बनाई जाए तो खुद ब खुद देश का फ्यूचर बदलेगा, राजनीतिक पार्टी का जरूरत तो इसमें मुझे बहुत कम लगता है। सही। लेकिन मैकोले और आज के काले मैकोले, मैकोले तो मर गया, अब लोगों की आत्मा में मैकोले घुस गया है। तो उसी मैकोले का आत्मा इनमें घुस गया तो अब ये ऐसा कहते हैं, कहते हैं क्या उनके परफॉर्मेंस से मुझे लगता है कि विद्यार्थी देश के फ्यूचर हैं, तो इनकी फ्यूचर बनाई जाए तो देश बनेगा,
इसलिए इनकी फ्यूचर बर्बाद कर दो कि देश बर्बाद हो जाए। देश को बर्बाद करने के लिए अलग से प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, बस इन्हीं को टारगेट करो। नहीं तो टारगेट खुद दिख रहा है तो केवल दिशा मोड़ बस 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 थोड़ा सा दिशा मोड़ दो। अरे भैया बीए और बीएससी मुझे समझे में नहीं आता है। आप कह दो तो मैं बैचलर हूँ, आप कह दो तो मास्टर हूँ, मुझे बीसीए में जो पढ़ाया गया भाई एमसीए में पढ़ाओगे, इतना पागल तो नहीं हूँ यार अब मैं। हाँ, सही बात है। दिमाग खराब। जो बारहवीं में पढ़ाओगे वही बीबीएससी में पढ़ाओगे, फिर बीएससी वाला कोई मास्टर में घसीटोगे, फिर कहोगे पीएचडी हो गया मैं। हे भगवान, टू प्लस क्या है यारो, फॉर्मूला टू एच टू प्लस ओ टू कब भी पानी नहीं बनता, पर वही पढ़ाना है बच्चों को। हे भगवान सत्यानाश। मैं ये सब को सुनने, ये सब समझने के बाद टीचर और स्कूल को मैंने, अब पैसे से तो मैं भी टीचर हूँ लेकिन बाद में बताऊंगा इसको, इस चीज को आपको नया नाम दो ठो दे दिया हूँ, स्कूल को और टीचर को दो नया नाम दिया हूँ, इसमें मैं भी शामिल अब हो जाता हूँ, लेकिन क्या करें आप, कोशिश करता हूँ थोड़ा। क्या नाम दिए? तो नया नाम ये दिया कि जो डाकू होता है ठीक है, वो आता है डांट डरवा मारपीट के लूटता है, लेकिन हमें पता रहता है कि लूट रहा है। जी 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 ठीक है। लेकिन ये टीचर ऐसे हैं कि जो पढ़ाते हैं वो जिंदगी में काम ही नहीं आता, और स्टूडेंट जब पढ़ता रहता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ रहा हूँ, परसेंट लाता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है, उसको पता रहता है कि बहुत बढ़िया मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको छोड़ने के बाद समझ में आता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, परसेंट का कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, हम काम कुछ नहीं कर सकते, कागज के टुकड़े किसी काम का नहीं है, उसको बहुत बाद में समझ में आता है। भ्रम में डाल के टीचर उस स्टूडेंट का समय बर्बाद करता है, पैसा बर्बाद करता है, और किस चीज के नाम पे, हम तो गुरु हैं विद्या दे रहे हैं भ्रम में डाल के। तो इसीलिए टीचर नहीं है, डाकू है। और लेता किसके नाम पे है व्हाइट व्हाइट मनी, वो भी रेस्पेक्ट के साथ, स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूशन के नाम पे। टीचर है वो डाकू है विद्या के नाम पे, स्कूल इंस्टीट्यूट इनका अड्डा है, तो टीचर जो है वो डाकू है, और जो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट है वो सब लुटेरों के अड्डे, डाकू के अड्डे। बस यही बिल्कुल सही है, इसका सबूत आप लाइव देख ही रहे हैं अभी। हाँ 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 बिल्कुल सही है, बस यही इनका दो नया नाम दिया हूँ मैं अभी। एकदम सही नाम दिए, डाकू हैं ये लुटेरे हैं, और इंस्टीट्यूट कॉलेज लुटेरों के अड्डे। ये सोचने समझने वाली बात है कि एक टीचर एक साइंटिस्ट को जन्म नहीं दे पा रहा है। अरे एक टीचर, मैं गलती से बोल दिया यार, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, एक कॉलेज एक साइंटिस्ट को जन्म नहीं दे रहा है एक साल में, एक पूरा देश एक साल में एक नोबेल लॉरियट को जन्म नहीं दे रहा है, किस डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं भाई हम, किस एजुकेशन सिस्टम का बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। दिल्ली एनसीआर का डेवलपमेंट हो रहा है, काहे का डेवलपमेंट हो रहा है भैया, एकदम नहीं आई बात है भाई। मैं आपको बताता हूँ, जब विवेकानंद थे तो गांव गांव में स्कूल कॉलेजेस नहीं थे ना भाई, हम तो मानते हैं कि अब हमारा डेवलपमेंट हुआ था, पहले तो हम एकदम आदि मानव थे, कच्चा मांस खाते थे, ऐसे भूखे नंगे चलते थे, जमीन में सो जाते थे, कुछ आता ही नहीं था हमको, मान लिया भाई ओके। विवेकानंद थे तो गांव गांव में नहीं थे स्कूल कॉलेजेस, अब तो खुल गए हैं ना, तो विवेकानंद उस समय उतने ज्ञानी थे, तो अब गांव गांव में स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, तो गांव गांव में विवेकानंद को जन्म लेना चाहिए था, पर अफसोस है विवेकानंद अब फोटो में ही है। अब विवेकानंद भारत में नहीं आने वाले हैं। सही है, तो कौन सा एजुकेशन डेवलपमेंट है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ में नहीं आता। ये क्या लॉजिक है, और ये बात कह दो तो इतना ज्यादा खराब लगता है लोगों को, कि ऐसे मेरे साइड देखता है जैसे कि मैंने कोई खून करके आया हूँ। सही है जी यार, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है यार, बहुत अंदर से गुस्सा आता है, पर करें क्या, वही तो बात है फिर, करें क्या, अब कर भी रहे तो क्या, ऐसा स्थिति या तो ऐसा चल रहा है ना अभी का काल, कि अगर आपको फांसी भी लगा दिया जाए तो आपको देश के लिए शहीद हुआ है इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। मेरे को 23 साल में भगत सिंह मैंने थे, मैं भी मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है।
तो है ही, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, जिंदा रह कहीं कौन सा देश का भला कर रहा हूँ, भला करने में फांसी लगता है तो और अच्छी बात है भैया, सही है, मेरा भी नाम उन्हीं के लिस्ट में आ जाएगा, ऐसा भी तो मौका दे दे। हाँ सही है, देखिए यार अब टीचर के बारे में कितना भाषण दूं। और नहीं हाँ बहुत दे दिए, क्योंकि ये तो हकीकत जानने वाली बात है। एक चीज मैं बताऊं आपको, हाँ हाँ बोलिए, समझने वाली बात है, पढ़ाई क्या है, ठीक है जी, सबसे मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है, बट गार्जियन नहीं मानते हैं इस बात को, ठीक है, कैसी? बच्चे को जिस चीज में रुचि है वो चीज करने क्यों नहीं देते। आपको उदाहरण, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ आपको, मुझे कराया गया बीए बीएससी का रिजल्ट आया फेल, अंग्रेजी में तो गलती से एक नंबर दे दिया, इज्जत बचा दिया, जीरो नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं था, फेल कर दिया, मैं नहीं पढ़ पाया, चाह के भी नहीं पढ़ पाया, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में कुछ इंटरेस्ट थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो इधर था नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं कर पाया ज्यादा, सॉफ्टवेयर फील्ड थे तो थोड़ा सा इसमें कुछ थोड़ा बहुत सोचा समझा, फिर सॉफ्टवेयर में कुछ किया, बट इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं गाइडेंस वगैरह के लिए, बट लगे रहते हैं क्या करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया ये कहती है कि ये फेल हो गया, ये पास हो गया, मुझे ऐसा, ये ज्ञानी है ये, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, और अब मूर्खता वाली बात है कि मैंने 10 क्वेश्चन रटाया आपको और फिर उसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अब बता देते हैं 5 क्वेश्चन का आंसर तो आप ज्ञानी हैं, पास हो गए, नहीं बता पाते हैं तो मूर्ख हैं, फेल हो गए, क्या मूर्खता वाली बात है। बिल्कुल राइट बात है, मूर्खता वाली बात है ये। तो प्रत्येक व्यक्ति का किसी ना किसी फील्ड में तो इंटरेस्ट ही होता है, सारा व्यक्ति सारा फील्ड में झंडे नहीं गाड़ सकता। हाँ। तो जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाने दीजिए ना भाई, मेरा फील्ड है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मुझे क्यों भेज रहे हो वहां बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्कुल सही, जिसका इंटरेस्ट है बिल्डिंग बनाने में क्यों उसको माथा खराब करा रहे हो सॉफ्टवेयर फील्ड में भेज के। सही बात, क्या मूर्खता वाली बात है। इंटरेस्ट पे काम अगर करे, पैशन के साथ करेगा, पूरे के पूरे उसका लगन के साथ, पूरे जुनून के साथ करेगा ना जिसमें इंटरेस्ट है, फिर उसका प्रायोरिटी जॉब नहीं रहेगा, कॉलेज का सिलेबस नहीं होगा, और फिर पैसे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका जुनून होगा कि मैं और नया क्या खोज लूं, इसे कहते हैं डेडिकेशन, पढ़ना इसे कहते हैं, इसे कहते हैं रुचि इंटरेस्ट। अब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर फील्ड वाले को डाल दिए कि भैया तू लकड़ी का फर्नीचर बना के बेच, लकड़ी का सामान बना, अरे उसका इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों बेचते हो भाई। बिल्कुल सही है, समझने वाली बात ये है कि मैं एक काम के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ और किसी दूसरे काम के लिए मुझे तैयार किया जाएगा, तो मैं उस हाँ। काम में तो जल्दी कर, उस काम को मैं जल्दी कर पाऊंगा जिसमें, जिसके लिए मैं पूरा तैयार बैठा हूँ, ना कि उस काम को कर पाऊंगा जिसके लिए कोई तैयारी नहीं किया। हाँ। तो मेरा अगर इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है तो मैं तैयार बैठा हूँ सॉफ्टवेयर के लिए, उस काम को कराऊ मैं बेहतर कर सकता हूँ, अब क्यों भेज रहे हो मेरे को मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, उसके लिए मैं तैयारी नहीं किया, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती ढकेल रहे हो। वो कहते हैं ना बुजुर्ग लोग, ठेल ठेल ढकोल रुखे चढ़ाई होकर फल कितना भाई। तो वही वाली बात है भाई, परम मूर्खता, परम मूर्खता वाली बात है कि मछली को बोलो कि कितने तुम मूर्ख हो, हवा में उड़ नहीं सकते, पक्षी को बोलो कि तुम कितने मूर्ख हो, पानी में तैर नहीं सकते, तो हकीकत में पक्षी और मछली मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो हम ही है। हाँ। अरे भैया वो जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट है उस फील्ड का बात करो ना उसके सामने। बिल्कुल, अब मैं हेलीकॉप्टर चलाता हूँ, आप मेरे से ट्रेन चलवाओगे? मैं साइकिल ठीक से नहीं चला सकता, गाड़ी चलवाओगे? कार का ड्राइवर है उसको ट्रक चलवाओगे? क्या तरीका है। बिल्कुल सही, यही कि बस मूर्ख ही बनाया जा रहा है, बाकी बात तो कुछ किया नहीं जा रहा है, घर वाले खुद मूर्ख बना दे रहे।
तो घर वाले जो है वो समाज के दबाव में सोचते हैं, जबकि हमें इंडिपेंडेंट सोचना है भाई, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है मुझे मालूम ना, समाज को थोड़ी मालूम है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर समाज के भरोसे हम क्यों पड़े, समाज के दबाव में हम क्यों सोचे भाई। अब समाज सोचता है कि इंजीनियर बने, सभी लोग जब इंजीनियर ही रहेंगे तो उनके क्लाइंट कौन बनेगा, नहीं बन पाएगा। अब डॉक्टर ही बन जाएंगे तो मरीज को भी तो जिंदा रहना है, क्या लॉजिक है भाई, सब डॉक्टर ही बन जाए तो। तो भाई आपका जिस फील्ड में रुचि है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप पास होने के लिए मत पढ़ो, पढ़ने के लिए पास हो। सही बात है। अगर लाइफ में श्रेष्ठता चाहिए तो कॉलेज के सिलेबस को कभी मत पढ़ना, क्योंकि इनका बाउंड्री होता है और सफलता श्रेष्ठता उसी को मिलता है जिनमें बाउंड्री नहीं होता। ये फिलॉसफी मैंने तब बनाया जब मैंने अंबिकापुर को छोड़ा, क्योंकि वो हमेशा सिलेबस का बहाना लगा के एक बाउंड्री बना रखते हैं, बाउंड्री के दायरे में ही रहते हैं कि इससे आगे हमें जाना नहीं, क्योंकि पास हो गए हम ना। बच्चों का एक माइंडसेट तैयार किया जाता है कि तुम इतने से पास हो जाओगे, तुम क्यों पढ़ोगे ज्यादा भाई। कई लोगों के मुंह से मैं सुना कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन बनाया, क्यों बनाया, कहे पूछ रहे हो, एग्जाम में नहीं आता, टैगोर ने बनाया इतना रट ले ना, 1911 में बना था, इतना रट ले, क्यों बनाया, ये क्यों पूछ रहे हो। क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम के लिए पढ़ा है, एग्जाम खत्म के बाद वो पढ़ाई खत्म, उसका वो ज्ञान खत्म। बिल्कुल सही है। जितना हम पढ़ते हैं उसका 95% हिस्सा तो भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, कि जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं होता। सही है, इस्तेमाल ही नहीं होता वो, कभी भूल जाते हैं हम सीधा। तो जब भी हम पढ़ते हैं ना, एक हमारा मतलब माइंडसेट तैयार हो जाता है कि नहीं एग्जाम में इतना पूछा जाएगा। नॉलेज बेस्ड पढ़ना और एग्जाम बेस्ड पढ़ना, परसेंटेज के लिए पढ़ना, दोनों में फर्क है। डिग्री बेस्ड पढ़ना अलग है, नॉलेज बेस्ड पढ़ना अलग है। बिल्कुल सही है। तो ज्ञानी होने के लिए कोई पढ़ता है ना, डिग्री के लिए तो नहीं पढ़ता ना। डिग्री कोई बड़ी चीज नहीं है, बस चुटकी बजाओ, थोड़े से कलाकारी दिखाओ, डिग्री मिल जाते हैं। आसान है डिग्री लेना। तो एक माइंडसेट तैयार है कि नहीं सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो मैं बताऊंगा कैसे कि कितना पढ़ा हूं। अरे भैया, तुम्हें बोलने का जरूरत ही नहीं है अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो, कि ये देख मेरा डिग्री में इतना पढ़ के आया हूं। तुम्हारा परफॉर्मेंस ही बताएगा तुम कितने ज्ञानी हो, कितने ग्रेजुएट हो या पीएचडी हो। कबीर दास की डिग्री मालूम आपको? नहीं। न्यूटन को तो 33 नंबर और 30 नंबर भगा दिया था, लेकिन उसी न्यूटन के, न्यूटन का फिलॉसफी हम आज पढ़ते हैं, न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम। कोई भी वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा भैया, काहे पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो तो मूर्ख था, कॉलेज से भगा दी, स्कूल से भगा दिया गया था। मूर्खों का बात कोई मानता है क्या? मूर्ख था न्यूटन तो, क्योंकि स्कूल से भगाया गया था, फेलियर था, फेलियर माने मूर्ख। सही है, लेकिन क्या लॉजिक है भैया, वही टीचर फिलॉसफी देता है न्यूटन का। अब कोई स्टूडेंट पूछ ले उससे ये बात कि उसका क्यों आप एग्जांपल देते हो, जो पीएचडी किया उसका एग्जांपल दो ना, बताए क्या बोला जाएगा, पता है क्या बोला जाएगा, तुमको पढ़ने लिखने में मन नहीं कर रहा, जुबान लड़ाओगे तुम। स्टूडेंट का संतुष्ट जनक उत्तर ना दे पाओ तो भड़क जाओ, डांट के उसको चुप करा दो कि तुम जुबान लड़ाओगे मेरे से। सही है। अरे भैया, प्रश्न करना गलत है क्या, कोई गुनाह कर दिया मैंने? नहीं नहीं, कोई गुनाह नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जब मैं अपने इंस्टीट्यूशन में था तो भले 1 घंटे 2 घंटे लग जाए, स्टूडेंट से मैं पूरा देर तक बात करता था जब तक कि वो संतुष्ट ना हो जाए। ये क्या तरीका है कि वो कुछ पूछा बस जुबान लड़ा रहे हो, कहकर डांट डपट के चुप करा दो। अरे जब बात नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, तो उसका थिंकिंग पावर डेवलपमेंट कैसे होगा? बिल्कुल सही। लेकिन मुझे बाद में समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा कि वो टीचर पकड़ा जाता कि वो ज्ञानी है कि मूर्ख है, इसीलिए स्टूडेंट को बोल देता था तो जवान लड़ाता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही चीज हो ही रहा है। तो जो हो, मुझे तो भाई ऐसा ही लगता है। हाँ तो है, जो है अपने लिए खास ही है।
भाई मुझे ऐसा ही लगता है। आप एक चीज आप देखे होंगे, मैंने भी अपनी जिंदगी में किया है, स्कूल नहीं है, जेल है एकदम। आप देखिएगा, स्कूल में घंटी बजने को देर रहता है, बच्चे ऐसे भागते हैं जिसे जेल से छुटकारा मिला है। हे भगवान, दबाव में आके रट के एग्जाम पास किया जाता है, सीखा नहीं जा सकता है कुछ। रही है। एग्जाम के प्रेशर में अगर हम पढ़े तो एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसा सुकून मिलता है कि मत पूछो भैया, शनि ग्रह खत्म हो गया। अब जो पढ़े हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम दे दिए ना, पास हो गए ना। लगता अरे है तो भैया, सही बोल रहे मुझे हैं। तो अब याद आता है कि किताब में कुछ है ये नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो अब इसीलिए कहता हूँ, किताब को छोड़ो ना सर, क्यों उसके पीछे पढ़ते हो, उसमें हये का है कि उसके पीछे पढ़ते हो, जो मैं पूछता हूँ बताओ ना। तो टीचर कहता है सिलेबस में तो इतना ही है ना जी। सिलेबस में हये नहीं है तो मैं कैसे बताऊं, ये बात मैंने इतने बार सुन लिया कि क्या करूं अब, बहुत बार मैंने सुना, और मास्टर डिग्री वालों से ही सुना है, सिलेबस का बहाना। पर क्या करें, ये सिलेबस नाम का शब्द को खत्म कर देना चाहिए था। सही बात है। सिलेबस नाम का शब्द को खत्म कर दो, ये होना ही नहीं चाहिए। सही है सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। नहीं बिल्कुल सही है सर, सही बोल रहे हैं आप। बहुत ज्यादा भ्रमित करने वाली बात है कि भैया मेरा कॉलेज बहुत टॉप है, टॉप 10 है, जी। तुम्हारा एडमिशन तब लूंगा जब एंट्रेंस नहीं कहे, एग्जाम दे करके आओ मेरे पास। जी हर समय टॉप करने वाला इंसान अगर टॉप करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल होने वाला इंसान से टॉप कराओगे तो मानूंगा कि तुम टॉप यूनिवर्सिटी में से एक हो। बिल्कुल सही एंट्रेंस सर। एग्जाम से फिल्टर ही किया जाता है कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ उनका एडमिशन लो और उनको नहीं पढ़ाओगे फिर भी वो टॉप करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 12-15 साल से टॉप करते आए हैं, तो यहाँ भी टॉप करेंगे तो हमारा कॉलेज का नाम अपने ही रोशन होगा, पढ़ाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल 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 सही आप है। में औकात है, क्षमता है, तो एक फेलियर बच्चे का एडमिशन लेकर के टॉप करा के दिखाओ, तब समझूंगा कि आप सच में एक टीचर हो, खुद को शिक्षक मानते हो, औकात है तो। यस पर क्या करें, एंट्रेंस एग्जाम है ना। बस 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 रटना है, क्योंकि मूर्ख का जमाना ही है, भारत मूर्खों के माता की मूर्ख, जय। हम कितने मूर्ख हैं, मतलब यार समझ में ही नहीं आता। सही बोल रहे हैं सर। क्या करूं यार, ऐसे ही हालात ही चल रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता, कॉलेज छोड़ने वाला आदमी कैसे माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक बनाया गया है, मतलब हाँ ये तो बिल्कुल सब सही है। सुस्त, बिल्कुल सीधा है, मतलब उस कॉलेज में कुछ था ही नहीं, हाँ उस कॉलेज में कुछ था ही नहीं, छोड़ दिया, क्या करे और जो अब। पीएचडी से लेके और पूरा फाइनल करके आज घर में बैठे हैं। अरे एक ही चीज को बैचलर में पढ़ता है, एक ही चीज को मास्टर में पढ़ता है, दूसरे एक ही चीज को पीएचडी में पढ़ता है, कुछ नहीं, बस घुमा फिरा के वही है कि दाल और चावल और खिचड़ी, ये दाल डाल दो,